गुड आफ्टरनून, कुछ आवाज आ रही है क्या? आप सबको मेरी आवाज आ रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए। हेलो, और फेसबुक डाउनलोड कर रहे हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। आप सबको अगर मेरी वॉइस आ रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट में बता दीजिए। तो हम हमारा सेशन शुरू करें अमूल पेज पे, अमूल की लाइव रेसिपी। मैं हूँ पारुल भानुशाली मुंबई से। आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? तो हम हमारी रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अमूल लाइव पेज पे आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्लूटेन फ्री रेसिपी का, जैसे मैंने आपको कहा था, वो दिखा रही हूँ। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले अमूल का पनीर लिया है, और साथ ही में यहाँ पर जो है अमूल का बटर और चीज़ जो है वो मैंने ऑप्शन में रखा है कि बच्चे भी अगर खाना चाहे तो वो खा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम पहले जो है पनीर रोल बनाएंगे, जैसे हमने रेसिपी का नाम दिया है ग्लूटेन फ्री पनीर रोल विथ हेल्दी डिप। तो हेल्दी डिप के लिए हम बहुत ही इंटरेस्टिंग हेल्दी वर्जन के लिए यूज़ कर रहे हैं पनीर, जो कि अमूल का ही है। मैंने यहाँ पर छोटा सा एक पनीर रखा है साइड में। और सबसे पहले हम बनाते हैं इसके लिए एक पनीर का जो मुझे प्रिपेयर करना है रोल। तो एक सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो हमें बाइंडिंग के लिए बेसन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बदले में मैंने यहाँ पर दालिया दाल, जिसे हम चटनी की दाल भी कहते हैं और फुटाना भी कहते हैं, वो लिया है। इसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये यूज़ करना बहुत इजी रहेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके बदले में बेसन को रोस्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। तो एक सिंपल सी पहले हम इसके लिए एक चटनी की तरह नहीं कह सकते, पर एक दरदरा सा पाउडर तैयार करेंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले मिक्सर जार में मैं यहाँ पर ढेर सारे फुटाना ले रही हूँ, जिसे हम दालिया की दाल कहते हैं। आई होप आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताते जाइएगा तो मुझे समझ में आए कि कहीं पर कुछ हो रहा है मिस्टेक्स, तो मैं आपको शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पर मैंने दालिया की दाल ली है। आप तिखा कितना पसंद करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर मिर्ची की मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हो। मैंने तिखी वाली 4 मिर्च लिए, और साथ में मैंने एक मुट्ठी भर हरा धनिया भी यूज़ किया है, और साथ ही में जाएगा 10 से 15 करी पत्ता। करी पत्ता जो है कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत ही फायदाकारक होता है, तो इसे यूज़ करना ही चाहिए। और यहाँ पर जो है हम कोशिश करेंगे कि सिंपल इंग्रेडिएंट्स, ये सारी चीज़ें हमारे घर पर अवेलेबल होती है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को एक अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, पर एकदम स्मूथ पेस्ट हमें नहीं तैयार करनी है, एक दरदरा सा पाउडर। नहीं मुझे था हल दो हिन में जा भी चालू है नहीं रिस वॉइस क्लियर है। और यहाँ पर सारे जो मैंने धनिया और जो करी पत्ता लिया है, तो उसके बदले में आप कम ज़्यादा भी मात्रा करोगे तो भी कोई टेस्ट में फर्क आपको नहीं पड़ेगा। सारी चीज़ों को अच्छे से हमें धोकर यूज़ करना है। कहीं पर कुछ वॉइस मिस्टेक हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा, और कोई इंग्रेडिएंट्स की और कुछ भी जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हो। और जो भी रेसिपी यहाँ पर अगर आपकी कुछ मिस होती है, तो ये सारी रेसिपी मैं मेरे इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पर भी शेयर करूँगी। पारुल भानुशाली के पेज पर भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से धोकर यूज़ किया है,
और इसे जो है मैं एकदम दरदरा पाउडर ही रखने वाली हूँ, तो आप इसके अंदर फुटाना जरूर से ऐड करिएगा। इसी के साथ थोड़ा सा हम नमक भी ऐड कर देंगे, नमक की वजह से इसमें अच्छा सा कलर भी रहता है। और हमें एकदम इसका पेस्ट नहीं करना है, इसके लिए हम यहाँ पर आइस का यूज़ नहीं कर रहे, हम चटनी नहीं बना रहे इसकी। और सब आपके सामने लाइव हो रहा है तो आपको एकदम परफेक्टली आइडिया आ जाएगी। ये एक स्नैक्स रेसिपी भी है और आप एज एक स्टार्टर में भी इसे सर्व कर सकते हो। अब मिक्सर ग्राइंडर जो है मेरा बैक साइड है, तो सॉरी आपको दिखा नहीं पाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें इसका एक दरदरा सा पाउडर तैयार करना है, तो वैसे ही मैंने कर दिया है। बच्चे जो है अक्सर जैसे कि धनिया पत्ती मुंह में आ जाती है तो खाते नहीं है, या करी पत्ता हम उन्हें देंगे तो खाते नहीं है। और सबसे पहली बात कि हम बघार में अगर करी पत्ता डालते तो उसको सबसे पहले ही निकाल देते, और इस तरह से हम ग्राइंड करके दे देंगे तो बच्चे हो या बड़े सभी खा लेंगे, और इसके टेस्ट में कोई भी आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें आपने करी पत्ता यूज किया है। तो एक अच्छा सा मैंने पाउडर तैयार कर लिया यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो इसे मैं एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लेती हूँ सबसे पहले। यहां पर कुछ कड़ी पत्ते बड़े भी रह चुके तो वो कोई बात नहीं है, हमें चल जाएगा। और कोई फुटाना इसमें अगर एकाध दाना रह भी गया होगा तो भी अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगेगा, ये चबाते वक्त दांतों में आएगा तब। और एकदम अच्छा सा आप देख सकते हो कि मैंने एक बाइंडिंग जैसा, जैसे कहते हैं ना, वैसा पाउडर तैयार कर लिया है। ये देखिए एकदम जैसे देख सकते हो आप, एकदम ग्रीन कलर आया है प्यारा सा। और कुछ बड़ी सी डंडियां रह गई है तो इसे मैं निकाल देती हूँ। और इसी के साथ जो है मैं यहाँ पर पनीर वो भी यूज कर रही हूँ। तो पनीर की मात्रा आप आपके हिसाब से कितनी पसंद करते हो, वैसे पनीर का कोई टेस्ट नहीं होता है, पर इसीलिए हमने पनीर को जो है दूसरे डिप के लिए भी संभाल कर रख दिया है। यहाँ पर पनीर जो है इसे मैं नॉर्मली ऐसे ही हाथों से क्रम्बल करके यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्रेटेड भी कर सकते हो जैसे कि हम कद्दूकस करते उस तरह से। मुझे अच्छा तो देखो, आप पूरी रेसिपी एकदम देख सकते हो कि आपके सामने लाइव बन रही है। आप इसी के साथ थोड़ा सा चीज भी ऐड कर सकते हो, और ये रेसिपी डाइट के लिए भी आप खा सकते हो। और नॉर्मली जैसे कि जो शुगर पर्सन है वो भी आराम से ये खा सकते हैं। थोड़े से मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ जो कि बारीक कट किए मैंने। आप अगर इसके अंदर अदरक और लहसुन और साथ में प्याज भी पसंद करते हो तो वो भी ऐड कर सकते हो। और यहाँ पर जो स्वीट कॉर्न है इसे भी मैं हल्का सा दरदरा सा ग्राइंड करूँगी, एकदम फाइन पेस्ट मुझे नहीं करना है, और ये कच्चे लिए मैंने बॉईल नहीं किया है। और स्वीट कॉर्न जो है फटाफट से जैसे पक जाते हैं, जैसे कि हम कहते हैं ना 8-10 मिनट के अंदर ही ये हो जाते हैं। और हो सके इतना हमें सारी चीजें जो है, और यहां पर जो है हमने पूरा एक बाइंडिंग के लिए देखिए पाउडर जैसे तो कर रखा है, पर इसी के साथ मैं स्वीट कॉर्न का भी यूज कर रही हूं। आप चाहे तो पोटैटो भी यूज कर सकते हो, पर वो अगर आपने ऐड कर दिया तो डाइट में नहीं खा सकते और शुगर पर्सन भी नहीं खा सकते हैं। और देखिए हमने स्वीट कॉर्न को भी एकदम फाइन पेस्ट नहीं किया है, सिर्फ पल्स मोड में मैंने इसे चर्न किया है। ये देखिए इस तरह से, हम इसे इटालियन डिश भी नहीं बोल सकते हैं और ना हम इसे कुछ ऐसा स्पेशल डिश का नाम नहीं कह सकते, क्योंकि हमने कोई इसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं किया है। हमारे इंडियन स्पाइसेस जैसे चिली मतलब हरी मिर्च कड़ी पत्ता, तो हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी को ही हमने एक नया सा रूप दिया है। थोड़ा को बताया मुझे थोड़ा ना भी अच्छा इनमें। और इसी के साथ मैंने पनीर का और जो स्वीट कॉर्न है उसी के हिस्से का मैं नमक ऐड कर रही हूँ। स्वीट कॉर्न में ऑलरेडी थोड़ी सी मिठास होती है तो हम इसमें चीनी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, अगर आप चीनी भी पसंद करते हो तो ऐड कर सकते हो। और आप चाहे तो इसके अंदर और इंडियन स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हो, जैसे गरम मसाला हो गया, तज, लवंग, काली मिर्च, पर वो एक्स्ट्रा फ्लेवर हो जाएगा। ये एकदम परफेक्टली फ्लेवर है और इसी का हम एक बाइंडिंग बना लेंगे, जैसे एक रोल बना लेंगे।
और सबसे बड़ी बात जो है, बिना कोई आलू है ना कोई इसके अंदर ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स है जिसे डाइट वाले ना खा सके। ये आप बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हो। सारा प्रिपरेशन अगर आपने रात को ही करके रख दिया, सुबह में सिर्फ हल्का सा सैलो फ्राई करना है और ये रेसिपी आपके पास तैयार हो जाएगी। तो देखिए बिना तांजान वाला एकदम परफेक्टली बाइंडिंग हमारा तैयार है। इसे मैं 5 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देती हूँ। इसका रोल बन रहा है, मैंने वैसे ही अंदाजे से बनाया है, कोई इसका मेजरमेंट रखने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर दालिया की दाल की मात्रा कम ज्यादा भी कर सकते हो और ये परफेक्टली इसके रोल बन रहे। एक बार आप नमक चेक कर लीजिएगा, वैसे मैंने तो चेक नहीं किया है, मैं भी कर लेती हूँ एक बार। परफेक्टली है। और इसके अंदर आप चाहे तो थोड़ा सा आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो, पर मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे इसमें आमचूर की जरूरत है। मैंने वैसे रखा है साइड में, अगर जरूरत पड़ी तो मैंने सोचा ये ऐड करूंगी, पर बिना ही इसके बहुत ही यमी लग रहा है ये मिश्रण, तो इसे हम साइड में रख देंगे। सिर्फ 5 मिनट का काम था, आपने देख लिया। और इसी के साथ अब और एक इंग्रेडिएंट्स मेरा सिंपल सा है, जिसे कि मैंने कहा था कि ग्लूटेन फ्री। तो आप कहोगे कि ग्लूटेन फ्री क्या, एक चीज दिखाऊंगी मैं आपको। तो सबसे पहले ग्लूटेन फ्री के लिए हम जवार का आटा लेंगे। आप यहां पर जवार के आटे के बदले में बाजरा या फिर जैसे कि नाचनी का भी आटा यूज कर सकते हो। मैं यहां पर जवार का आटा यूज कर रही हूं। यहां पर मैंने जवार का आटा लिया है, नॉर्मली जो हम जिससे रोटियां बनाते हैं वही आटा मैंने यूज किया है। एक कटोरी ज्वार का आटा इसे मैं एक बाउल में ले लूंगी और इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। बहुत ही कम संभाल के नमक, क्योंकि हमने ऑलरेडी जो स्टफिंग है उसके लिए नमक ऐड कर दिया है और ऊपर का जो लेयर है वो फीका ना लगे, इसके लिए मैंने नमक ऐड किया है। इसी के साथ आप चाहे तो करी पत्ता भी यूज कर सकते हो। उस ग्लास वालों, आप चाहे तो इसके अंदर थोड़ी सी करी पत्ता भी ऐड कर सकते हो। और ये जो है नॉर्मली आप जवार का डोसा, ये रेसिपी मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर की है जो कि बहुत ही सबको पसंद आई, तो उस हिसाब से आप नॉर्मली जवार का डोसा भी प्रिपेयर करके दे सकते हो। और इसे जो है हमारे हाथों से ही मिक्स करना पड़ेगा क्योंकि लम्स ना रहे, इसके लिए हमें ना कोई विस्कर का भी यूज कर सकते हैं, पर इजी वे के लिए मैं हाथों का यूज कर रही हूँ। हाथ मैंने अच्छे से धोकर साफ कर लिए हैं। और यहाँ पर जो है मैंने जो कटोरी से जवार का आटा लिया था वही कटोरी के नाप से मैं पानी यूज कर रही हूँ। परफेक्टली एक कटोरी पानी मैंने यूज कर लिया। अब पहले इसके लिए और पानी की आवश्यकता हमें होगी। ये जैसे हम रोटियों का आटा लगाते हैं ना, उस तरह से अभी लग रहा है आपको, पर जैसे हम डोसा या जैसे रवा डोसा का जो बैटर होता है उस तरह से हमें इसका करना है। तो यहां पर मैंने और एक कटोरी पानी का यूज कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि इसके लिए अगर हम नाप देखें तो एक कटोरी आटे के साथ 2 कटोरी हमें पानी लेना है, ना कोई सोडा ना कोई इनो यूज करना है ना कोई ग्लूटेन। तो बिना तांजान वाला एकदम इजी वे में हम कह सकते हैं कि ये ज्वार का एकदम परफेक्टली बैटर बन चुका है। जैसे हम हाथों से चेक करें ना, एकदम पतला सा ये देख सकते हो आप, बस ऐसे ही रखना है।
अगर आप बनाते बनाते अगर लास्ट में नीचे जो आटा बैठ जाए तो आप उसके लिए थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पर ये हमारा बैटर को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। वैसे तो इसे रेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पर हम आगे का जो प्रोसेस करें ना उसके लिए मैंने यहाँ पर इसे ये कर दिया है। यहाँ आप जैसे हमने पनीर रोल के लिए नॉर्मली आप बटर का भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर अमूल का घी या फिर तेल का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा हम इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो पहले मैं इसके छोटे छोटे से रोल्स बनाकर रख लेती हूँ और उसके बाद हम सैलो फ्राई कर लेंगे। और एक साइड में तवे को भी थोड़ा सा धीमी आंच पर गरम करने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल किया है, आप नॉर्मल ग्रिल के ऊपर भी इसे टिक्कियों का शेप दे सकते हो। मैं यहाँ पर हल्का सा घी का यूज कर रही हूँ, हाथों को हल्का सा मैंने चिकना किया है। आप चाहे तो यहाँ पर अमूल बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और जैसे मैंने आपको कहा हल्का सा हाथों को ग्रीस कर लेंगे। ये देखिए एकदम इजीली इसका एक रोल बना लिया है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक स्टार्टर के रूप में भी आप इसे प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत यम्मी लगता है ये। शेप आप अपने मन पसंद कोई भी दे सकते हो, जैसे कुकी कटर से भी आप ट्रायंगल, स्क्वायर या फिर राउंड शेप भी कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लग रही होगी। और यहां पर देखिए हमने जो फुटाना जिसे हम दाली की दाल ऐड की है ना, उसकी वजह से एक अच्छा सा बाइंडिंग आ चुका है। और सारी चीजें हमने ऐसे ली है ना जैसे हम कच्चा भी खा सकते हैं। वैसे आप जो डाइट फॉलो करते हैं वो पनीर, रो पनीर भी खाते हैं, तो सारी ये प्रोटीन की चीजें हमने इसमें इस्तेमाल की है। तो आप इसे मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में ले सकते हो, या तो फिर जैसे कि इवनिंग का स्नैक्स टाइम है उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए कोई परफेक्टली साइज मैंने नहीं बनाया, ये छोटे बड़े सब चल जाएंगे। यहाँ पर मेरे हाथों को जो मैंने चिकना किया था ना उसी की वजह से एकदम परफेक्टली इसका शेप आ चुका है। तो मुझे तवे के ऊपर नहीं लग रहा है कि मुझे और एक्स्ट्रा ऑयल या तेल की जरूरत पड़ेगी। मैं नॉर्मली ही इसे सैलो फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पर नॉनस्टिक तवा है तो इसे मुझे कोई ग्रीस करने की भी जरूरत नहीं लग रही है। इसमें जो पनीर के पीसेस कहीं बड़े छोटे होंगे तो भी खाने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे, और जो वेजिटेरियन है उन्हें तो पनीर खाना ही चाहिए। मैं ऑनियन गार्लिक नहीं खाती हूँ तो इसके लिए मैंने ऑनियन गार्लिक का यूज़ नहीं किया है। आपको अगर पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा वो भी। ये देखिए इस तरह से मैंने ये सारे रोल्स को सेकने के लिए रख दिया है।
एकदम इजी और एकदम ही हेल्थी रेसिपी है ये। अब इसे दोनों बाजू मुझे सैलो फ्राई करना है, मतलब कि इसे एकदम हम ये तो नहीं कह सकते कि करारा रखना है, बिल्कुल सिंपल से ये देखिए प्यारा सा हल्का गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। तो हमें दोनों साइड इसी तरह से उलट पुलट करके सेक लेना है। यहाँ पर ये सिक रहा है तब तक हम एक इंटरेस्टिंग हेल्दी डिप बना लेते हैं। ये हमारा जो है चटनी वाला ही लास्ट में मैंने स्वीट कॉर्न चर्न किए थे, वही मिक्सर जार में यूज़ कर रही हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर मैं बता दूँ कि हम डिप बना रहे हैं, तो इसके लिए जो है हमने एक जो स्टफिंग में यूज़ किया है ना वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा बैलेंस होता है। तो सबसे पहले जो है तिखास के लिए आप मिर्ची इसमें बहुत कम लीजिएगा, और जितना मैंने मिंट लीव्स लिया है मतलब कि पुदीना लिया है उतना ही मैंने यहाँ पर हरा धनिया लिया है। अगर आपको कोई ऐसे सीजन है जहां पर पुदीना नहीं मिल रहा है तो आप जो हम गर्मियों में मिंट लीव्स को या फिर सर्दियों में मिंट लीव्स को सुखाकर रखते हैं उसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं। और मिर्ची की मात्रा इसमें कम ही यूज करनी है क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर अच्छा सा मसाला मतलब कि यह धनिया मिर्च ले लिया है। अब यहाँ पर ये तीनों चीजों को हमें अच्छे से एक पेस्ट तैयार कर लेनी है, तो इसे मैं अच्छे से पहले धोकर फिर इसमें यूज करूंगी। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे जो पनीर रोल सिक रहे इसे भी नहीं भूलना है। वैसे तो हम हाथों से ही इसे पलट सकते हैं, देखिए बिल्कुल भी ऑपोजिट साइड में गर्म नहीं है। एक हल्की सी जैसे हमने धनिया यूज किया है ना इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी आता है। और सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं ना कि आप आज के आज ही बना सकते हो। अब यहाँ पर जो है पहले मैं धनिया और जो हमने हरी मिर्च ली है उसे पीस लेती हूँ। ये देखिए अच्छे से वॉश कर लेना है। ये जो हमारा हेल्दी डिप बन रहा है उसमें मिंट का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, और मिंट का होना बहुत जरूरी है, वरना तो जैसे हम हरे धनिये की चटनी खाती है वैसा नहीं हो जाना चाहिए। बाजार वाले जो हम एक्स्ट्रा ऑयल वाले मेयो लेते हैं उससे तो बहुत अच्छा है और बहुत फटाफट बन जाता है। आप यहाँ पर थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर सकते हो। इसे मैं चॉन कर लेती हूँ और एक हेल्दी इंग्रेडिएंट्स आपको शेयर करती हूँ इसके साथ का। ये देखिए यहाँ पर हमने मिंट लीव्स और हरे धनिए को अच्छे से पीस लिया बिना पानी का यूज किए। अब इसके साथ थोड़ा सा हम स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, और खटास के लिए आप लेमन जूस यूज कर सकते हो या तो फिर जैसे कि आमचूर भी यूज कर सकते हो। मैं हल्का सा नमक यूज कर रही हूँ पहले मतलब कि स्वाद अनुसार। और इसी के साथ जाएगा हमारा डिप बनाने के लिए पनीर, जो कि मैं अमूल का पनीर यूज कर रही हूँ यहाँ पर, और इसे भी मैं हाथों से क्रम्बल कर लेती हूँ। डिप जो है चटनी से थिक होता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पनीर का इस्तेमाल किया है, और साथ में यहाँ पर हम ये हमारे पनीर रोल को भी नहीं भूलेंगे भाई। प्रॉपर सारे बाजू से अच्छे से कुक हो रहे हमारे ये पनीर रोल्स।
ये देखिए, और इसे पीस लेना है। हल्का सा मैं पानी ऐड कर रही हूँ, बहुत ही ज्यादा ये ठीक है अभी। आप चाहे तो इसके अंदर दही का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो, पर आयुर्वेद के हिसाब से अभी की सीजन में हमें जो है हो सके उतना डेयरी प्रोडक्ट, मतलब कि दूध की चीजें खानी चाहिए। दही भी डेयरी प्रोडक्ट में ही आता है। ये देखिए, एकदम प्रॉपर हमारा यम्मी क्रीमी ऐसा हेल्दी डिप भी तैयार है, जो कि बिना चीज का है, फिर भी आपको चीजी फ्लेवर लगेगा क्योंकि अमूल का पनीर जो है इसके अंदर। अब मैं आपको एक बाउल में इसे ट्रांसफर करके बताती हूँ। और यहां पर देखिए, जब तक मैंने डिप तैयार किया तो ऑलमोस्ट जो है मेरी ये पनीर रोल भी सीख चुके हैं, सारी एकदम क्रिस्पी और करारे लग रहे ऊपर से, मतलब जैसे हम कह सकते हैं ना प्रॉपर कुक। तो ये देखिए, ये देखिए एकदम प्रॉपर क्रीमी और मिंट फ्लेवर वाला हेल्दी डिप। आप नॉर्मल कोई भी नाश्ते के साथ इसे परोस देंगे तो वो नाश्ते में जान आ जाएगी। नाश्ते में तो जान होती है, पर चार चांद लग जाएंगे। तो इसे भी मैं साइड में रखती हूँ। और एक बाजू जो है हमारे सारे पनीर रोल जो है सिक चुके हैं, तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर दूंगी मैं, और उसके बाद जो मेरे पनीर रोल को मैंने निकाल लिया है, आप इससे बड़े बड़े रोल्स भी बना सकते हो। देख सकते हो एकदम परफेक्टली है। आज का लंच का मेरा तो प्लान हो चुका है। वैसे तो ये ब्रेकफास्ट और मतलब स्टार्टर है, पर मेरे लिए तो लंच भी ओके है, बेस्ट है, मतलब क्योंकि हेल्दी भी है और प्रोटीन पैक भी है। अब यहाँ पर वही बाउल का मैं इस्तेमाल करूँगी जिसमें हमने रोल बनाए थे। अब गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मैं स्लो कर देती हूँ, और ये जो बाउल है मैं इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ जिसमें मैंने ज्वार का आटा लगाया था। ये देखिए, लास्ट में जो है आटा जो है नीचे बैठ चुका है, तो इसे जो है हम आखिर में पानी डालकर पतला कर देंगे। और ये जो बैटर है और पतला चाहिए मुझे, जैसे कि आपने देखा कि हमने पनीर रोल जो है बिना कोई तेल घी के बना लिए। आप हल्का सा तेल घी का भी यूज कर सकते हो। ये जैसे हम नीरे डोसा वगैरह खाते हैं ना, उतना ही पतला बैटर हमें बनाना है। और इसके अंदर आप चाहे तो हल्का सा कड़ी पत्ता भी ऐड कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है।
अब गैस की फ्लेम को बंद किया है, पर गैस का जो हमारा तवा जो है गैस के ऊपर रखा था वो हल्का सा गर्म है, हल्का तो नहीं पर काफ़ी गर्म मैं कह सकती हूँ। और तेल घी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। ग्लूटेन फ्री हमारे ज्वार का आटा सिर्फ हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था, वो भी एकदम प्रॉपर सेट है। ये देखिए आप इसके अंदर हरी मिर्च या जैसे करी पत्ता भी ऐड कर सकते हो, पर हम रोल के साथ इसे सर्व करने वाले हैं, इसके लिए मैंने प्लेन रखा है। और इस तरह से चम्मच को हमें तवे के ऊपर टच नहीं करना है, ऊपर से इस तरह से फैलाते जाना है, ये अपने आप ही ये स्प्रेड हो जाएगा। आप कितना बड़ा और कितना छोटा बनाना पसंद करते हो इसके ऊपर आप अरेंज कर दीजिए इसे, और ये एकदम राउंड नहीं बनेगा, ये देखिए कोई इसका शेप नहीं होगा ऐसा लगेगा, क्योंकि एकदम रनी इसकी ये है, थिकनेस है एकदम पतला सा गोल है, और इसे धीमी आंच पर ही हमें कुक करना है। बस गैस की फ्लेम को पहले मैंने बंद कर दिया था क्योंकि तवा हमारा ऑलरेडी गर्म था। और अब यहाँ पर आप चाहे तो हल्का सा अमूल बटर का इस्तेमाल कर सकते हो, मैं इसके लिए अमूल बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहे तो अमूल का घी भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा बहुत बटर या फिर घी हमें खाना भी चाहिए हमारी हड्डियों के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं बहुत ही कम, मतलब कि इतना सा ले रही हूँ, 1/4 टीस्पून के जितना। तो ओह सॉरी, गरम था, शायद ये वेस्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने गरम में ही इसको थोड़ा मिसमैच कर दिया है। और अमूल का चीज स्प्रेड मैंने इसके लिए दिखाया है कि मेरे बच्चों को जो है इसे मैं रोल के अंदर जो है थोड़ा सा जैसे हम रोल बनाएंगे ना, तो चीज स्प्रेड करके भी सर्व कर देती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। आप चीज स्लाइस का भी यूज कर सकते हो, और इसे दोनों साइड अच्छे से सेक लेना है। यहाँ पर जो हमें पनीर रोल बनाया है उसे सिकने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है, पर जो जवार का आटा है पूरा पानी वाला बैटर है, तो इसे सेकने के लिए 3 से 4 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये बैटर को जो है पतला ही रखना है, तो इसमें हम थिक नहीं कर सकते, अगर थिक करेंगे तो वो चिला बन जाएगा। थोड़ा सा अगर घी भी लगा देंगे तो भी चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरा जो घर का घी है वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रेसिपी हम टिफिन में भी तो दे सकते हैं, और नॉर्मली अगर कोई गेस्ट आए उन्हें भी देंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, और फटाफट भी बन जाती है। सिर्फ यहाँ पर हमें जो है ज्वार का जो हमने रोल बनाने के लिए एक बैटर बनाया है उसे ही हल्का सा स्लो फ्लेम पर 2.5 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। हल्का सा ही अभी कच्चा है, और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप नॉर्मल चटनी के साथ भी इसे परोस सकते हो, और जो हमने हेल्थी डिप बनाया है उसके साथ तो बहुत ही यम्मी लगता है। आप ये रेसिपी पूरी मेरे इंस्टाग्राम पारुल बानुशाली पे भी देख सकते हो, और यूट्यूब पर भी मैं जल्दी से ही अपलोड करूंगी। ये देखिए काफी पतला और काफी मतलब
यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लेन जैसे ज्वार का डोसा वो तैयार हो रहा है। तो ग्लूटेन फ्री है, तो जैसे मैंने बताया कि शुगर पर्सन, डायबिटिक पीपल और जैसे जो डाइट फॉलो करते हैं वो आराम से खा सकते हैं, और जो डाइट ना करते हैं वो भी खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है, और साथ में ये कह दूंगी कि स्वादिष्ट भी है। ऐसा नहीं है कि डाइट का खाना सारा बोरिंग हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। और बनाना है वो हमें देखना है कि हम कौन सी रेसिपी किस हिसाब से बना रहे हैं। तो ये देखिए, इजीली अब ये रोल आप किस तरह से प्रेजेंट करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। यहाँ पर फिर से मैं गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर दूंगी, और स्लो फ्लेम पर ही हमने ये पकाया है। 2.5 से 3 मिनट में पक सकता है, या तो फिर आपका 3.5 मिनट भी लग जाएंगे, 1 आध मिनट आगे पीछे हो सकता है बस। देखिए यहाँ पर बन गया हमारी, ये जैसे कि हम रोल बनाने के लिए शीट का यूज़ करते हैं ना, वो शीट के बदले में एकदम हेल्दी वर्जन। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ एक चॉपिंग बोर्ड पर, और इसी के साथ और एक पतला सा मैं फिर से एक पोर कर देती हूँ। मेरा बैटर क्या जवार का ये आ गया, ऊपर से ही पोर करना है, हमें तवे को टच नहीं करना है। ये देखिए तवा जो है ना, पता चल रहा है कि बीच में से ऊपर हो चुका है। ये देखिए ज्यादा बड़ा मैंने नहीं किया है ये। अब गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम पर ही हमें इसे पकने देना है। जैसे आप देखते हो ना डोसे के ऊपर डॉट डॉट होते ही, इसी तरह से ये डोसे के ऊपर भी बिना फॉर्मेंटेशन, बिना सोडा के डॉट्स आ चुके हैं। ये देखिए, और हमारे लिए मतलब कि जैसे कि जो वर्किंग वूमन या हाउसवाइफ है उनके लिए तो एक हेल्दी वर्जन में भी हम इसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और बच्चों के लिए, तो भाई बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा ना, मेरे बच्चों को चीज़ के साथ बहुत पसंद है, तो ऐसे में चीज़ के साथ भी आपको दिखाऊंगी, क्योंकि चीज़ भी है ना, अगर आप जैसे एक ओवर ईटिंग नहीं करते हो तो वो हेल्दी में ही आएगा। चीज़ में भी कोई ऐसी कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपको हार्म करे, नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पर मैंने अमूल का ही चीज़ लिया है, प्योर मिल्क का बना हुआ है, और मेरे घर पर हमेशा वही बनता है, अमूल का ही चीज़ और अमूल का ही पनीर। ये मैं स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो नॉर्मली जो क्यूब्स आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो, या आपके पास बड़ा सा ब्लॉक हो ना तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। अब भाई बच्चों का फेवरेट बन रहा है, तो ये तो मेरे बच्चों का फेवरेट है, पर अब ये देखने के बाद आप भी अपने घर पर बना कर दोगे तो बच्चों के साथ बच्चों के पापा, अंकल, आंटी सबका फेवरेट बन जाएगा। और ये देखिए, ये डोसे के ऊपर मतलब कि हम जो रोल बना रहे हैं इसके ऊपर ना तो तेल घी ना बटर कुछ भी नहीं लगाया मैंने, और इसे मैं फ्लिप कर रही हूँ। ये देखिए आराम से फ्लिप हो गया, और इसी के साथ इसके ऊपर मैं चीज़ का स्लाइस रख रही हूँ बच्चों के लिए। अगर आप चीट डे के लिए भी कुछ स्पेशल और हेल्दी खाना चाहते हो तो भी ये आराम से आप खा सकते हो। और ये देखिए आ गया यहाँ पर ये अमूल का चीज़, सुपर। मेरे बच्चे तो आज बहुत खुश हो जाएंगे। और चीज़ को हल्का, और इसी के साथ अगर रोल के ऊपर या हल्का सा, जैसे चीज़ में भी ऑलरेडी सॉल्टी टेस्ट होता है, तो आप चाहे तो इसके ऊपर हल्का सा डिप रख सकते हो, और ना चाहे तो आप इस तरह से एक रोल रख लीजिए पनीर का। और ये देखिए पनीर के रोल को मैंने कर दिया थोड़ा सा, आई भाई साहब सुपर बा, मुझे तो अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है कि जब मैं बना लूँ और फटाफट से मैं इसे टेस्ट करूँ। और काश आप सभी मेरे साथ यहाँ पर ज्वाइंट होते तो आपको मैं टेस्ट कराती। सुपर, देखिए और ये बन गया हमारा रोल प्रॉपरली। हम्म,
इसे मैं नॉर्मली अभी ऐसे ही रखते जा रही हूँ, फिर मैं आपको आराम से दिखाऊंगी किस तरह से हमने प्रेजेंट किया है। और ये देखिए अब फिर से और एक आ जाएगा, हमारा रोल कुक हो रहा है, तब तक हम उसका प्रेजेंट कर लेंगे। ठीक है, बस सिंपली इसे करते जाना है और ये आगे की प्रोसेस होते रहेगी। यहाँ पर गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है मैंने, क्योंकि ऑलरेडी तवा गर्म है और उसका जो टेम्परेचर परफेक्टली सेट हो जाएगा। तो हम तब तक जो है हमारे रोल तैयार कर लेते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसे किस तरह से प्रेजेंट कर रही हूँ। एक रोल जो बच्चों के लिए मैंने बनाया है, तो इस तरह से भी अब टेम्परेचर थोड़ा सा ठीक हो चुका है, तो हमें इसे स्लो फ्लेम पर पका लेना है। अमूल बटर की तो कोई आवश्यकता नहीं हुई है, ज़रूरत पड़े तो आप यूज़ कर सकते हो। और ये देखिए यहाँ पर जो हमारा प्रॉपर जवार का ग्लूटेन फ्री, जैसे डोसा कह लीजिए, और ये बन गया हमारा यहाँ पर ग्लूटेन फ्री पनीर रोल। तो ये टिप जो है हम अंदर भी इसे अप्लाई करेंगे, जैसे कि डोसे के ऊपर हल्का सा, बहुत ही यम्मी लगता है दोस्तों। ये मैंने थोड़े में ही अप्लाई किया है और इसी के ऊपर आ जाएगा ये वाला हमारा पनीर रोल। और इसे जो मैं मिडल में ही रख देती हूँ, ये देखिए दोनों बाजू से मैं इसे कवर कर लेती हूँ और ये देखिए आ गया इस तरह से रोल। तो भाई ये कौन कहेगा कि ये ग्लूटेन फ्री है और हेल्दी है, साथ में टेस्टी है और डायबिटिक पीपल खा सके वैसा है। हाँ ये जरूर थोड़ा सा चीज़ी है। तो अभी इसका लास्ट का मैं प्रेजेंटेशन आपको दिखा दूँ, बहुत ही हेल्दी वर्जन हमारा तैयार है। यहाँ पर ये हमारा ग्लूटेन फ्री ज्वार का डोसा भी कुक हो रहा है, जिसके लिए हम रोलिंग करेंगे। और ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ एक बार, और आप चाहे तो नॉर्मली भी उसे कर सकते हो। इसे मैं ट्रायंगल ऐसे कट कर रही हूँ, आप नॉर्मली किसी भी हिसाब से कट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये आ गया चीजी वाला। वाओ, और यहाँ पर ये भी हमारा पकते जाएगा और तब तक हमारे ये पनीर रोल्स हल्दी डीप वैसे तो इसके ऊपर टोमेटो केचप अच्छा लगेगा, पर हम डाइट के लिए बना रहे तो वो यूज नहीं कर सकते हैं।
तो तैयार है हमारा हेल्दी टेस्टी और ग्लूटेन फ्री पनीर रोल विथ हेल्दी डिप। आप इसे कब ट्राई कर रहे हो मुझे जरूर से बताइएगा, और एकदम इंटरेस्टिंग और एकदम फटाफट बन जाने वाली रेसिपी आपने लाइव देख ली। हमने कोई भी प्रिपरेशन इसका नहीं करके रखा था, फिर भी ये रेसिपी इतना फटाफट बन गई। और ये डिप जो है, आप इसे कोई भी स्टार्टर्स या कोई भी नाश्ते के साथ परोस देंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। आई होप आप सबको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इंटरेस्टिंग है तो ट्राई करना बनता है। थैंक यू वॉचिंग अमूल लाइव पारुल भानुशाली। आपने मेरी रेसिपी को देखा और पसंद किया, उसके लिए धन्यवाद। अमूल लाइव के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और ये रेसिपी जितनी फटाफट बन गई खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है। तो अभी हम यहाँ पर इसे ये रेसिपी को यहीं कंप्लीट करते हैं और आपको इसका फोटोज भी मिल जाएंगे। थैंक यू।